काम लेना होगा उसे। अगर आप इस चीज से टूट गई तो आपके बेटों को कौन संभालेगा? उनका भी तो सोचना। बस हमेरा हमेरा से नजर नहीं दे रहे। मेरा और आपका दुख एक जैसा है, इसे मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। इतना भी कलेजा मुंह को आ रहा था इससे। क्यों, क्या रिश्ता था तुम्हारा वलीद से? क्यों कलेजा मुंह को आ रहा है? तो सिर्फ एक इल्जाम है तोहमत वलीद के किरदार पर। चली जाओ यहां से, चली जाओ। वलीद के मुंह से आखिरी लफ्ज जो निकला था ना, वो मेरा नाम था। मुझे पुकार रहे थे वो। आखिरी लफ्ज जो मैंने सुना, मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, मोहब्बत करते थे। ये हूं मैं वलीद की। क्यों आई हो यहाँ? प्लीज जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आई है? प्लीज जाए यहाँ से। क्यों, क्यों ना आती? मेरा हक है। मोहब्बत करते थे वलीद मुझसे, बाप थे मेरी बेटी के। सायरा प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम क्यों आई हो यहाँ? आप यहाँ कैसे आई हैं? फातिमा, किसकी इजाजत से आई आप? इनको यहाँ आने किसने दिया है? कुछ शर्म नहीं है अपनी शक्ल इस घर में दिखाते हुए? फातिमा, गंदी जुबान से मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई घटिया औरत हैं आप। सके आखिरी लम्हों में उनको भी अपने साथ गंदगी में घसीट लिया आपने। शर्म नहीं है आपको? उन्हें भी गुनाहगार बना दिया आपने। इतनी घटिया औरत है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चली जाएगी मेरे घर से, चली जाओ। मेरे सामने खड़ी रहेंगी, मैं आपको खून कर दूंगी। चली जाओ इस घर से। मैं अप्पू की मैयत आने वाली है यहाँ। मैं उनके आखिरी लम्हों को इस तरह गंदगी में होता हुआ नहीं देख सकती। आप चली जाए यहाँ से। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो? पकड़ो अपनी माँ को, ले जाओ इसे यहाँ से। निकल जाओ तुम दोनों इस घर से बाहर। कैसी बेटी हो, जरा तरस नहीं आता तुम्हें अपनी माँ पे? ये सजा दे रही हो खुद को जन्म देने की? सारा प्लीज नहीं। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाओ? फातिमा, अल्लाह के अजाब से डरो। अजाब? अजाब तो तुम खुद हो। हानिया लो अपनी माँ को, निकल जाओ इस घर से। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो अभी तक?